निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने एक साथ कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। संतोषी ने सनी देओल को लेकर घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्में बनाई जिसे दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। राजकुमार संतोषी की पहली फिल्म घायल ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद उन्होंने दामिनी और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों पर काम करना शुरू कर दिया। दामिनी के लिए संतोषी ने सनी देओल और ऋषि कपूर को साइन किया तो वहीं अंदाज अपना अपना के लिए उन्होंने आमिर खान और सलमान खान से बात की। ये दोनों फिल्में भी हिट रही। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने तय कर लिया कि वे सनी देओल और आमिर खान के साथ ही फिल्में करेंगे। सनी देओल और संतोषी इतने गहरे दोस्त बन गए कि ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताने लगे। संतोषी ने सनी देओल को लेकर घातक फिल्म बनाई जो फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म पर संतोषी ने काफी पैसा लगाया था जो डूब गया। संतोषी उस समय बुरे दौर से गुजर रहे थे और उन्हें पैसों की आवश्यकता थी। इस बात की खबर जब बोनी कपूर को चली तो उन्होंने मौके का पूरा फायदा उठाया। बोनी कपूर ने संतोषी को अनिल कपूर को लेकर पुकार फिल्म बनाने को कहा। इसके लिए बोनी ने संतोषी को मोटी रकम भी अदा की। संतोषी जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सनी देओल और आमिर खान के साथ उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। उस समय संतोषी के लिए पैसे ज्यादा जरूरी थे, लिहाजा उन्होंने बोनी का ऑफर स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद आमिर ने संतोषी से अपना रिश्ता लिया। इसी दौरान जब सनी देओल ने उनसे मिलकर बात करनी चाही तो संतोषी ने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। संतोषी के इस व्यवहार से सनी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने संतोषी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद सनी और संतोषी की दोस्ती पूरी तरह से दुश्मनी में बदल गई। हालांकि बोनी कपूर के लिए भी पुकार फिल्म फायदे का सौदा नहीं हुआ, लेकिन इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था।